हाय एवरीवन, कैसे हो सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से काम कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, डीएनएम टेक्नोलॉजी सपोर्ट का एसी पीसीबी रिपेयरिंग कोर्स में आप सबको फिर से और एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, शायद आप लोग देख पा रहे होंगे, तो आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लेके आप लोग के साथ में उपस्थित हो गया हूँ। और वो एक बेसिक कॉम्पोनेंट है, लेकिन वो अलग अलग काम पे वो यूज होता है, और उसका क्या क्या टाइप्स में मिलते हैं उसके बारे में मैं आज आप लोग को साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो शायद आप लोगों को सबको ही पता है ये ऑप्टो कपलर या तो फोटो कपलर के बारे में, लेकिन शायद मैक्सिमम टेक्नीशियन को ये पता नहीं है कि ये ऑप्टो आइसोलेटर टेक्नोलॉजी कितने टाइप्स का होता है। तो आज मैं अलग अलग टाइप्स का जो ऑप्टो आइसोलेटर का टेक्नोलॉजी है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और आप लोगों को ये भी बताएंगे कि कितने टाइप्स का ऑप्टो आइसोलेटर हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है, साथ ही साथ में हम लोगों का इन्वर्टर एसी टेक्नोलॉजी में कितने टाइप्स का ऑप्टो आइसोलेटर यूज होता है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। और मैं ये दावे के साथ भी बता सकता हूँ, मैक्सिमम टेक्नीशियन को शायद दो तीन चार टाइप का ऑप्टो आइसोलेटर के बारे में पता होगा, बाकी मैं और भी ज़्यादा बताने जा रहा हूँ जो अलग अलग टाइप्स का ऑप्टो आइसोलेटर बनता है और हम लोग का सर्किट में यूज में लेते हैं। मैं इसी साथ साथ मैं ये भी डिस्कस करूंगा ये ऑप्टो आइसोलेटर कौन सा सेक्शन में यूज होता है, और उसका थोड़ा बहुत मैं फीचर्स के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में। तो फ्रेंड्स, जैसे देख रहा है मैंने ऑप्टो कपलर कुछ ड्राइंग बना के रखा, और इसमें आप लोगों को मैं ये डिस्कस करूंगा कितने टाइप्स का ऑप्टो आइसोलेटर हम लोगों का सिस्टम पे यूज होता है, मेनली हम लोग का इन्वर्टर एसी टेक्नोलॉजी में। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरे चैनल पर नया है, मैं चाहता हूँ आप लोग जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक तो पहले ही पहुँचे। तो शायद आप लोगों को पता ही है मैं बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का ही इंफॉर्मेशन आप लोगों को साथ में हमेशा शेयर करता हूँ। तो ऐसा ही इंपॉर्टेंट नोट इंफॉर्मेशन मिलने के लिए आप लोग जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब तो करना ही है ताकि मेरे दिए गए नॉलेज आपका काम पे आए। तो फ्रेंड्स, चलिए अभी चलते हैं सब्जेक्ट पे। तो मैं पहले शॉर्टली बताऊं ये ऑप्टो कपलर या तो ऑप्टो आइसोलेटर क्या होता है, उसका क्या वर्किंग है, उसके बाद मैं टाइप्स में जा रहा हूँ, और वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लोग देखें, क्योंकि मैं अलग अलग टाइप्स का जो ऑप्टो आइसोलेटर यूज होता है सबके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। उसका नंबर भी बताऊंगा, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी क्या है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को सही से देखते रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये ऑप्टो कपलर या तो ऑप्टो आइसोलेटर दोनों एक ही नाम, और जिसके नाम के साथ भी ये पता चलता है इसमें कोई लाइट का कुछ इशू है इसमें। तो ऑप्टो कपलर या तो ऑप्टो आइसोलेटर ऐसा एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और वो एक ऐसा सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसके अंदर दो तीन अलग अलग कंपोनेंट यूज में लगाया जाता है विदाउट एनी फिजिकल कनेक्टिविटी। दो या तीन कंपोनेंट जो लगा हुआ रहेगा, दोनों का बीच में कोई फिजिकल कनेक्टिविटी नहीं रहेगा, तो इसीलिए इसका नाम है आइसोलेटर, और जो कंट्रोल होगा लाइट के माध्यम से, फोटो के माध्यम से। हम लोग बोलते हैं ना फोटो कपलर या तो ऑप्टो कपलर, ये लाइट सेंसेटिव डिवाइस होता है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बहुत सारा नॉर्मली हम लोग जिन्होंने नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन है सबको ही पता है ये ऑप्टो कपलर जो होता है ये हम लोग का पावर सप्लाई का फीडबैक सेक्शन में मैक्सिमम यूज होता है। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग को ये पता चला कि ये ऑप्टो आइसोलेटर टेक्नोलॉजी और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, और उसको क्या क्या यूज में लगाया जाता है, उसका क्या क्या इंटरनल क्या चेंजेस आता है वो आप लोग देखते रहिए। अलग अलग टाइप का, वेरियस टाइप का मैं बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो मैंने ये ऊपर ड्रॉ करके रखा है ये PC870, ये कॉमन है, ये सबको ही पता है। इसका चार पिन होता है, एक साइड में इसका फोटो एलईडी लगा हुआ रहता है और दूसरे साइड में इसका फोटो ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता है। मैं उसका डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ टाइप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ कितने टाइप्स का ये ऑप्टो आइसोलेटर सिस्टम बनता है। तो ये जो ऑप्टो कपलर है ये PC870, ये कॉमन है, बहुत टाइप का होता है, 181 होता है, और भी 4N35 जो 6 पिन का भी होता है ऑप्टो कपलर।
उसमें फोटो एलईडी लगा हुआ होता है और फोटो ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता है। तो उसके बाद मैं सेकंड आ रहा हूँ, एक ऑप्टो कपलर हम लोग का इन्वर्टर एसी में इंडोर में मैक्सिमम यूज होता है, जहाँ पे आपको जीरो क्रॉसिंग का सेक्शन मिलता है एसी डिटेक्टर सेक्शन में। आपको एक ऑप्टो कपलर मिलेगा जिसका नंबर भी मैं लिख के रखा हूँ, TLP 620। इसका फीचर्स देखिए, इसके अंदर दो एलईडी एंटी पैरेलल लगा हुआ है। इसके अंदर देख पा रहा है दो एलईडी एंटी पैरेलल लगा हुआ है और साथ में फोटो ट्रांजिस्टर कॉमन रखा हुआ है। तो पहले जो ऑप्टो कपलर था इसमें एक ही एलईडी एक ही ट्रांजिस्टर था, सेकेंड इसमें आ गया है दो एलईडी एक ट्रांजिस्टर। तो ये हम लोग का जीरो क्रॉसिंग सेक्शन में मैक्सिमम यूज होता है। चले इसके बाद आ रहा हूँ, एक ये एक टाइप का ऑप्टो आइसोलेटर है जिसका नंबर है TLP 748J। अभी तक हम लोग का ये ऊपर का ये दो सिस्टम में फोटो एलईडी साथ में फोटो ट्रांजिस्टर मिला, लेकिन अभी हम लोग को एक नया कंपोनेंट इसके अंदर मिलेगा जहाँ पे ट्रांजिस्टर नहीं रहेगा, उसके अंदर इनबिल्ट हो जाएगा हम लोग का SCR, जिसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, और जिसका जो मदर नेम होता है इसको थ्री स्टार बताया जाता है। थ्री स्टार, तो थ्री स्टार मतलब थायरिस्टर ऐसे बताया जाता है। तो ये है कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर भी एक ऑप्टो आइसोलेटर के अंदर इनबिल्ट किया गया है। इसका देख पाएंगे इसमें 6 पिन का बना हुआ होता है, ये नंबर भी मैंने लिख के दिया TLP 748J। और इसमें भी एक साइड में फोटो एलईडी मिलेगा, क्योंकि सारे के सारे जितना भी मैं डिस्कस करूंगा सब लाइट थ्रू ही कंट्रोल होगा, लेकिन उसका आउटपुट सेक्शन थोड़ा अलग अलग चेंज होता जाएगा। तो इसमें भी फोटो एलईडी है, लेकिन उसका दूसरे साइड जो कंट्रोल होगा वो SCR से कंट्रोल होगा। और ये SCR के बारे में भी शायद आप लोगों को पता होगा, मेरा बेसिक का भी वीडियो पड़ा हुआ होगा, या तो मेरा ऑनलाइन कोर्सेस में ये सब डिटेल्स में होता है। तो SCR क्या होता है, SCR एक टाइप का यूनिडायरेक्शनल डायोड होता है जिसको गेट थ्रू कंट्रोल किया जाता है। इस डायोड को एक्टिव करने के लिए इसको गेट में सप्लाई देना पड़ता है, तब जाके ये फॉरवर्ड बायस में ये काम करता है। पॉजिटिव में पॉजिटिव देंगे तो ये पॉजिटिव आउटपुट करेगा, नेगेटिव में नेगेटिव देंगे तो ये नेगेटिव आउटपुट करेगा। तो ये यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में ये फ्लो होता है, ठीक है। तो ये जो SCR है ये भी फोटो सेंसिटिव है, साथ में इसको मैन्युअली भी इसका गेट भी दिया हुआ होता है। और ये कहाँ पे यूज होते हैं, ये हम लोग का भी एसी पीसी में यूज होते हैं, एक कम्युनिकेशन सेक्शन में। कम्युनिकेशन में आप लोगों को पता है ये ऑप्टो कपलर मेनली हम लोग का यूज होता है, जो नॉर्मल PC817 टाइप का है, लेकिन ये एक टाइप का ऑप्टो आइसोलेटर है जो कम्युनिकेशन में यूज होता है। वो भी बता रहा हूँ कौन सा कंपनी यूज करता है, तोशीबा। तोशीबा का जो इन्वर्टर एसी है उसमें कम्युनिकेशन में इस टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया SCR कंट्रोल ऑप्टो कपलर। इसके बाद आ रहा हूँ और एक नाम देखिए, MOC 3020 TLP 560। ये नाम भी शायद आप लोगों को पता होगा जो लोग इन्वर्टर एसी सिस्टम पे काम कर रहा है या तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करता है। तो मैं कंपोनेंट का डिटेल्स बता रहा हूँ, वो कहीं पे भी यूज हो सकता है, मेनली मैं बता रहा हूँ हम लोग का इन्वर्टर एसी में कहाँ पे ये यूज में लेता है। तो ये जो MOC 3020 या तो TLP 560 है, इसके अंदर भी फोटो एलईडी है, साथ में इसको कंट्रोलिंग के लिए यहीं पे लगा हुआ है फोटो ट्रायक। इसमें लगाया गया है फोटो ट्रैक, मतलब आप ऐसे मैंने ऐसा ही सीक्वेंस में लगाया है, ये दोनों SCR मिलके एक ट्रैक बनते हैं। और जो ये SCR है ये यूनिडायरेक्शनल होता है, ये वन वे रूट होता है, लेकिन जब ये ट्रैक आ जाएगा दो SCR मिलके जब ट्रैक बनते हैं तो ये बाई डायरेक्शनल बन जाता है, वो किधर भी हो जा सकता है, फॉरवर्ड में भी काम करेगा रिवर्स में भी काम करेगा, ठीक है। तो जैसा ये जब SCR आ जाएगा, SCR का होता है गेट होता है एनोड होता है कैथोड होता है, लेकिन जब ट्रायक आ जाएगा तो क्या होगा, इसका गेट होगा और MT1
MP2 इनपुट आउटपुट होता है। तो ये जो MOC 3020 या तो TLP 560 है, ये भी हम लोग का इंडोर यूनिट में ही ज़्यादातर यूज में लाता है, जहाँ पे आपको AC वोल्टेज ड्राइव PG मोटर मिलेगा। PG मोटर कंट्रोल करने के लिए ये MOC यूज होता है, TLP 560 यूज होता है। चले अभी मैंने चार्ट टाइप का आपको बताया। चले अभी आ रहा हूँ पांचवा पे, फिफ्थ में आ रहा है ये एक AQH 2223, AQH 3223 ऐसे टाइप का एक ऑप्टो आइसोलेटर है। इसमें और भी अलग फीचर्स हैं इसके अंदर, जैसा हम लोग का इसका ऊपर वाले में MOC 3020 या तो TLP 560 में एक ट्रैक है, लेकिन हम लोग का ये AQH 2223 में आ जाएगा दो ट्रैक, इंटरनली दो ट्रैक आपको मिलेगा, वो भी कंट्रोल होगा फोटो LED थ्रू। ये भी हम लोग का ACPG मोटर ड्राइव सेक्शन में यूज में लगाते हैं, ठीक है। तो मैं इसके अंदर ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ फीचर्स के बारे में बता रहा हूँ कहाँ पे ये यूज होता है। तो फिफ्थ पांचवा हो गया है, तो छोटे में मैं बता रहा हूँ एक टाइप का आपको ये जो MOC हो, 3020 हो या तो AQ 2223 हो, ये सब नाम के साथ और एक नाम जुड़ जाता है, इसको हम लोग नॉर्मली SSR बोलते हैं, मतलब सॉलिड स्टेट रिले भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये लाइन को ऑन ऑफ करते हैं, ठीक है। इसका यूजेस अलग अलग होते हैं। तो ऐसा ही और एक SSR आ गया है जो ऐसे चार पिन का मिलता है, इसका इमेज भी शायद आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इसका अंदर भी फोटो LED है, साथ में सिंगल ट्रायक है, ये भी कोई भी एक लाइन को या तो न्यूट्रल को कट आउट करता है। और ये भी यूज होता है, ये मेनली हम लोग का इन्वर्टर AC सिस्टम पे यूज में लाते हैं। अब लोग देखेंगे सैमसंग इन्वर्टर ACPCB का जो कम्युनिकेशन सेक्शन होता है, कम्युनिकेशन सेक्शन में ये SSR यूज होता है ऐसे चार पिन वाला। तो अभी इसका भी यूज वैसा ही होगा, लाइट जलेगा, ट्रैक एक्टिव होगा, सबका ही लाइट LED फोटो LED जलेगा, ट्रैक एक्टिवेट होगा। इसका भी ऊपर में फोटो LED जलेगा, ट्रैक एक्टिवेट होगा, इसमें भी फोटो LED एक्टिवेट होगा, SCR एक्टिवेट होगा, और इससे ऊपर में दो LED जलेगा, ट्रांजिस्टर एक्टिवेट होगा, और पहले में एक LED जलेगा, एक ट्रांजिस्टर एक्टिवेट होगा। तो ये सब जो सिस्टम है, जो दो कंपोनेंट दिख रहा है, दोनों का बीच में कोई फिजिकल कनेक्टिविटी नहीं रहता, ये लाइट पास होता है और सेकेंडरी साइड में वो जो कंपोनेंट लगा होता है वो वर्किंग पे आते हैं, लाइट थ्रू कंट्रोल होता है। इसीलिए मैंने पहले ही बोला ये लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट हो जाता है, और ये आइसोलेशन सेक्शन में ही हम लोग को ज़्यादातर यूज होता है। और ये ऑप्टोकॉपलर से हम लोग स्विच का भी काम करते हैं, स्विच का भी काम करते हैं, वो अलग अलग फीचर्स में यूज होते हैं। तो कितने देखा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। पर अभी और एक टाइप का मैं अभी ऑप्टो आइसोलेटर दिखाने जा रहा हूँ, जो बहुत क्रिटिकल टाइप का है। क्रिटिकल टाइप का नहीं है, वो तो अंदर का बनावट है, हम लोगों को तो बाहर से काम करना है, लेकिन आपको अगर किसी कंपोनेंट, किसी सर्किट के ऊपर अगर डिटेल्स में काम करना है तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में भी पता होना चाहिए, वो कंपोनेंट काम किस तरीके से करते हैं, तो इसका भी डिटेल्स पता होना चाहिए। तो और एक जो मैं अभी ऑप्टोकपलर, ऑप्टो आइसोलेटर दिखा रहा हूँ, वो भी 8 पिन का होता है, और जिसका नंबर भी मैंने लिख के रखा 6N137L। ये भी हम लोग का इन्वर्टर AC में लगता है, लेकिन आप लोग थोड़ा कैलकुलेशन कीजिए कहाँ पे यूज होता है। 8 पिन का है और इसका इंटरनल बनावट पूरा अलग है, किसी के साथ भी ये मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर भी लॉजिक गेट लगा हुआ होता है। ट्रांजिस्टर तो है ही, फोटो LED है ही, लेकिन इसके अंदर लॉजिक गेट लगा हुआ होता है, जो एंड गेट लगा हुआ होता है, मैं उतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। तो ये लॉजिकली इसके अंदर आपको ऑप एम्प टाइप का भी सिस्टम इसमें मिलेगा, ये बहुत एक्यूरेसी लेके ये काम करते हैं। ये फोटो से एक्टिवेट होता है, लेकिन इसमें लॉजिक गेट भी बना हुआ होता है। तो
इसका भी ऐसे चार आठ पिन होता है, जिसका ये एक नंबर नॉट कनेक्ट होता है, दो नंबर में एनोड होता है, तीन नंबर में कैथोड होता है, चार नंबर नॉट कनेक्ट होता है, और ये पांच नंबर पे फोटो ट्रांजिस्टर का इमीटर होता है, और छः पे उसका कलेक्टर, मतलब यहीं से आउटपुट होगा। और इसका सात नंबर पिन होता है एनाबल, और आठ नंबर पिन होता है सप्लाई VCC, और इसका सप्लाई होता है 3.3 या तो 5 वोल्ट का। और ये कहाँ पे यूज होता है, ये हम लोगों का LG इन्वर्टर AC का कम्युनिकेशन सेक्शन में ये यूज होता है, और भी अलग अलग जगह पे यूज हो सकता है, मैं स्पेशली बता रहा हूँ ये अलग अलग जो कंपोनेंट कंपनी ऐसे ही यूज में लेता है LG का कम्युनिकेशन। LG में देखेंगे उसका जो कम्युनिकेशन के लिए अलग से एक PCB बना हुआ होता है, छोटा सा एक PCB बना हुआ होता है, उस PCB में ऐसे ये लगा हुआ होता है, 8 पिन वाला लगा है। तो फ्रेंड्स शायद आप लोगों को ये समझ में आ गया है कितने टाइप्स का मैंने ऑप्टो आइसोलेटर टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने बताया। तो फ्रेंड्स आप लोग ये कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को कितने टाइप्स के ऑप्टो आइसोलेटर के बारे में पता था, 1 2 3 4 5 6, मैंने कितना बताया, 7 बताया, 3 3 6 1 7, 7 बताया। इसके अंदर आपको कितने टाइप्स का आपको पता था ये थोड़ा कमेंट करके बताइएगा, और मेरे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसे लगा ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स चलिए आज का सेशन यहीं तक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स लेके।